وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین ذی‌وقار، رمضان المبارک دا مہینہ بڑیاں خوشیاں اور رحمتاں برکتاں لے کے آندا ہے۔ خوش نصیب او افراد ہیں جڑے اس مہینے دا احترام کر کے اپنی مغفرت کروا لیندے۔ اللہ اپنے فضل و احسان دے نال ساڈے ساریاں دی مغفرت فرما دے۔ 17 رمضان المبارک، اس دے اندر کچھ مناسبت ہے ماں اور بیٹے دی۔ ماں تو مراد سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات شریفہ 17 رمضان نو ہے، اور بیٹے تو مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دے اُتے وی جڑا حملہ کیتا گیا ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے، خارجی آئی اس نے
सुबह सहरी दे टाइम हैदर करार ते हमला कीता है। ओ दिन भी सतारा रमजान दा है। अगरचे मेरा वादा दे फकत हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शान दे मुतल्लिक है, लेकिन किसी अच्छे दोस्त ने इस तरफ तवज्जो दिलवाई थी, मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना माँ और बेटे का इकट्ठा जिक्र किया जाए। अलहम्दुलिल्लाह साडा ये ईमान है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना भी बड़ा आला है। उन्हां दी जमात असहाब बनात अजवाज सारे ही एक ही दूए नालों वध के शान रखते हैं। आका दे नाल निस्बत दीनी रखण वाले जिहड़े भी लोग आ उन्हां सब का एहतराम साडे ते लाजिम है। किसी की बेजा मुहब्बत नू दिल विच बहाते किसी दे उत्ते अटैक करके उदी तौहीन करना ये अपने अमल जाया करावण दे मुतरादिफ है। सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मोमना की माँ है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहू उम्महातुहुम। ऐ ईमान वाले तुसी अपनी जान नालों भी वध के मेरे नबी का एहतराम करना है। अगर तुहाडे सामने सारा जहान आ जाए और दूजे मणे मेरा सोहना नबी होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान नू कंड च करया है पर मेरे इस सोहने महबूब दिर कंड ना करया है। सारा दुनिया जहान दियां नेमतां उन्हां नू सैड ते रखना पवे ते रख देवया है पर इस अजीम नेमत नू सीने नाल ला के रख्या है। एक ये भी ज़हन च रख्या है छड़ा तुहाडा रिश्ता नबी नाल नहीं जिहड़े नबी साई दियां बीवियां हैं ना ओ मोमना दियां मैं मावां बनाईयां ते समझ आई कि अगर नबी दियां बीवियां अजवाजे मुतहरात मोमना दियां मावां हैं ते सरकार खुद एक रूहानी बाप दी हैसीयत रख दे। अल्लाहु अकबर। वत सारी दुनिया दे वालदैन नू मुहम्मद अरबी दे कदमा नाल लगी हुई खाक तो कुर्बान कर दिता जाए तां वी सौदा आसान है। कुरान मुकद्दस दा सियाको सबाक दसेंदा है जिथे अल्लाह ने आयत तत्हीर नू नाजिल फरमाया इहदे पिछे सारा तज़करा नबी दी बीवियां दा हो रहा है और अल्लाह दसना चाहता है या निसा नबी लस्तुन्ना का आहद मिन निसा। ऐ मेरे नबी दियां बीवियों मैं तुहानू इंज बनाया लस्तुन्ना का आहद मिन निसा कैनात च मैं इंजदी कोई इज्जत वाली औरत बनाई नहीं जितनी मैं इज्जत अल्लाह ने तुहानू अता की। एक थोड़ी इज्जत है जो बाकी बीबिया उमतियां का बिस्तर बिछावन तो तुसी मेरे नबी का बिस्तर बिछाओ। एक थोड़ी इज्जत है जो तुहाडे हुजरियां दे अंदर मेरा नबी आवे तो मेरिया रहमत होर रिम झिम करना शुरू कर देव। एक थोड़ी इज्जत है जो मैं तुहानू ठड़े जम दे ला दा तत्हीर दे चोले पवा के रहमत दियां पैरियां दे अंदर तुहानू परवान चढ़ाया। ये थोड़ी इज्जत है जो मैं अल्लाह करीम तुहानू दुनिया के उत्ते भी नबी का बिस्तर दिता है तो कल जन्नत च भी नबी दे नाल बैठी हो सो जबाना तक रोजे दे विच ममानत नहीं भूल ना क्या करो मिल गया कुछ सुभान अल्लाह। लेकिन एक गल वखरी समझ आती है कि नबी दियां बीवियां सारी मोमना दियां मावां दियां सिरदार हैं उन्हां दी मखलूक जितनियां अल्लाह ने अजवाज बनाईयां जितनी अल्लाह ने बीवियां बनाईयां उन्हां सारियां नालों वखरा अनोखा निराला शान अल्लाह ने नबी दियां बीवियां नूं दित्ता है।
लेकिन मैं अगला जिहड़ा जुमला सुनाउणा चाहुंदा अल्लाह दी तौफीक नाल, चुप एक बंदा नजर ना आवे। अगर इंसाफ ते फैसला करो मुड़, बेशक सुभान अल्लाह कहे जो न पसंद आवे तो वह मजबूरी भी नहीं। नबी दा बिस्तर मिल गया है शान वालियां हो, नबी दा हुजरा मिल गया है शान वालियां हो, नबी दी रिफाकत मिल गई है शान वालियां हो, नबी दी इज्जत बन गई हो शान वालियां हो, नबी दा हरम बन गई हो शान वालियां हो, नबी दा भरम बन गई हो शान वालियां हो, नबी दा लिबास बन गई हो उन लिबास अंतुम लिबास उन्ना, ओए तुसी नबी दा लिबास बन गई हो शान वालियां हो। पर रहमानी आता है सारिया मावं बड़िया शान वालिया, पर उस अम्मी ऐशा सिदीका दे शान दे क्या कहने जिदे बिस्तर ते मुहम्मद अरबी जानदा है ते अल्लाह कुरान नाज़िल फरमांदा वाहिद खातून है जिदे बिस्तर ते रहमतुल आलमीन तशरीफ ले जांदा है ते अल्लाह जिब्राइल नूं आंदा हुण वांझे इसे बिस्तर ते कुरान नाज़िल कर। अल्लाह अकबर। उस मां जी की वफात शरीफा 17 रमजान मुबारक नूं है। सीरत इन्हां दी बड़ी तवील है, मैं थोड़ी थोड़ी झलकियां दोनों दियां सुनाउणा चाहुंदा ताकि मुहब्बत दा इजहार भी रहे, कुछ कीमती गल्लां साडे दिले च आ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सूरतुल आज़ाब 22वां पारा इने ते आयत करीमा दा नंबर 33 इने। अल्लाह फरमाता है मैं नबी दियां बीवियां नूं जमदे ला दा पाक बनाया। एक शै पहले नापाक होवे मुड़ उसनू धो लिया जाए चंगी तरह, शरीयत आदि होने पाक तो हो गई है लेकिन इतराद रहा है पहले ना पाक आई हूँ पाक की गई है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा जमदे ला दा ही अल्लाह ने इन्हां दे मुतल्लिक इरादा फरमा चुका है। मैं इन्हां नूं पैदाइश भी इन्हां दी जमदे ला तो मैं पाक रखना है ते आखिर तक इन्हां मेरे रहमत दियां पैरियां दे विच रवणा है। वत मेरे पैगंबर दी ए बीवी ते मोमना दी अम्मी सैयदा बीबी आयशा सिदीका आखो रदियल्लाहु ताला अन्हा, बड़े उलूम नूं अल्लाह ने इसनू नवाजया है ते कुरान फहमी दे अंदर बड़ा नवाजया है। जदों भी मेरा पैगंबर इन्हां दे वेहड़े दे विच तशरीफ लै जावेया ए सवाल करेंदियां रांदियां या रसूल अल्लाह इस आयत दा के मतलब ए सूरत दा के मतलब, इत्थे अल्लाह के फरमाए दिन ते इत्थे की फरमाए दिन। एक दिन मेरा पैगंबर भी रोंदा नजर आंदा अल्लाह मैं बाकी बीवियां दे अंदर इंसाफ त करेंदा पर मेरा दिल बीबी ऐशा सिद्दीका ले मने खिचया रह जांदा है, किदा ही माशर दे मैदान दे अंदर मेरे कोलो सवाल ना कर लवे आए, क्योंकि दिल दे उत्ते तां साहिबे दिल दा इख्तियार भी नहीं आंदा। अल्लाह साईंया मैं बड़ी कोशिश करेंदा जो सारियां नूं टाइम भी बराबर देवां, सारियां दे मामलात भी सही तरीके नाल अदा भी होंदे पैन बे अम्दिल्ला, लेकिन मेरे दिल दा रुझान ते मैलान बीबी ऐशा सिदीका ले मने रह जांदा है, किदा ही माशर नूं किदे बारे सवाल ना कर लवे आए। अल्लाह फरमाया है मेरा पैगंबर दिल ते हुकूमत तेरी नहीं साडी अपनी है,
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਸ਼ਸਿਦੀ ਕਲ ਮਣੇ ਫੇਰਿਓ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੋਰਾ ਆਪ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰੀਓ ਅਲ ਆਖੇ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਉ ਡਲ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਸਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ ਅਚਾਨਕ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਈਦਾ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਇੰਜਾਏ ਜਿਸ ਉੱਠਣੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ, ਆਹਾਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਣੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਜਨ ਆਹਾਰ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਈ, ਫਜਰ ਕਰੀ ਬਾਈ, ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਈਦਾ ਬੀਬੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਰਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਰੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦੀਕਾ ਕੈਨਾਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦੀਕਾ ਕੈਨਾਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਰਾਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਦੋ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖੂਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਕਦਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬੀਛੀ ਵਜਣੀ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵਜਣੀ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਧ ਸਬਬ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਵੱਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਬਾਤਨ ਦੀ ਤਤਹੀਰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਆਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਈਦਾ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜੋ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰ ਗੁੰਮ ਥੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਇੰਜੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਾਰ ਚਮਿਲਾਈ, ਉਹ ਸੱਚਲ ਜਪਾਲਾ, ਉਹ ਹਈਜੁਨ ਕਯੂਮਾ, ਉਹ ਸਤਾਰੋ ਰਊਫ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕਾ, ਉਹ ਅਸਮੀ ਔਰ ਬਸੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਲਾਜਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੱਖ ਰੱਖ ਲਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਜੀਵਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਵਣਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦਾ ਨੱਚੀ ਵੰਜੇ। ਇੰਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਪੈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਦੀਕਾ ਕੈਨਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਬਰਾਈਲ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਵੰਜ ਲਗਾ ਵੰਜ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਦਿਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਰਾਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا।
एक बीबी ऐशा सिद्दीका ए तड़पी है, नबी दी बीवी है, मोमना दी मां है, उदी इज्जत दा मसला बनया है। अल्लाह ने पूरी उम्मत वास्ते आसानियां पैदा फरमा दितियां। अल्लाह फरमाया मेरा पैगंबर एक ऐसी नेमत नूं देवना चाहते आ, तवजो चाहता, जुमला इतना कीमती है जो हजार रुपए छड़ा नहीं करोड़ रुपए तो भी ज्यादा कीमती है, लेकिन सुनाना चाहता अल्लाह दी तौफीक नाल पसंद आवे तव जरा आ ठरिया है। सुभान अल्लाह, गज के अगया है। अल्लाह ने पहलियां शरीयत दे अंदर ये मसला नहीं रखिया, ये खास तोहफा अल्लाह ने दिता है तयम्मुम वाला। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे उते कुरान आया और मेरे पैगंबर नो फरमाया फलम तजिदु माल फतयम्ममु सईदन तय्यबा। पाक पैगंबर पहलियां शरीयतां दे विच तां इंज आई, बंदा बीमार है या जितना भी खराब है तबीयत उहदी या सफर दे अंदर है, वुज़ू करे, पानी लेवे, नमाज पढ़े, अज तेरी बीवी दी इज्जत दा मसला बनया है तां मैं उम्मत वास्ते तयम्मुम वालियां आसानियां नादल फरमा दित्तियां। सुभान अल्लाह। हुण शरीयत दी तू तयम्मुम कर लै जो चोखा बीमार है, उह तैनू डर है जो मैं पानी विच हाथ पैसा मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ ना जाए। अगर तू सफर दे अंदर है ते पानी कोई नहीं, जो नमाज दा टाइम आ गया है, पाकीज़ा मिट्टी साफ यानी इट वगैरह दे उते नीयत कर जो मैं गुसल करना चाहता, गुसल दी नीयत या वुज़ू वाली, इंजे हाथ मार ते चेहरे ते ला ते इंजे हाथ कोनियों समेत फेर लै। अल्लाह फरमाइंदा मैं तैनू पाक कर देता है। सुभान अल्लाह, कितनी आसानियां। व तयम्मुम वाला मसला भी ज़हन च रखा है तो सज्जा टार न करया, जेड़ा सुनी वदाई तयम्मुम वाला मसला ते पूरी गल काई ना सुनी, उस वक्कर ना किथे है। राती अख खुली माइयां सियाणियां चुल्हां दे उते राती तवा मूदा च मरेंदियां ओपन जगह दे उते, जो बारिश आवे तो किदा ही चुल्ह चौका खराब ना हो वंजे। उस आ घमकाया तवे दे पिछले मणो तयम्मुम करते तहज्जुद पढ़ के फजर तो पहले फजर पढ़ के झुल चवड़िया पे हो। घर वाली आख्या करमा लिया जागया को नाश्ता पानी करया, जने छोड़ नाश्ते अगे भी करींदे रहंदे ने, अज मैं तहज्जुद पढ़ी पिया इदो नूर वे अज दो नूर वे, खुदा दी कसम वे मेरा चेहरा चमक सकया, और खुदा दा कदी काला भी नूर होया। अल्लाह, शरीयत दे मसले पूरे पकाए करो ता फायदा होंदा है। सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका आखो रदी अल्लाह ताला अना दी इज्जत दा मसला बढ़िया है। अल्लाह फरमाया कोई गल नहीं, मेरा पैगंबर इत्थे पानी नहीं भी है, आप भी तयम्मुम च करो ते अपने सहाबा नूं भी आर्डर दे दो। ए मैं अल्लाह करीम ने पूरी उम्मत वास्ते पैकेज ते रहमत नुज़ूल फरमा दिता है। और वह बंदे जेड़े पहले गल्लां पे करेंदे आन, होना दिन वाबू बकर सिद्दीक तेरे घराने दे शान दे क्या कहने, वाह अम्मी ऐशा सिद्दीका अल्लाह तेरे नाल कितना प्यार करेंदा है, जो थोड़ा जिहा मसला बनया है ते अल्लाह ने कुरान नाजल फरमा के तेरी इज्जत नू होर वधा दिता है। इसे तो अल्लाह फरमाइंदा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबकुम अर्रिजसा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। नबी दियां बीवियां ते नबी दे घराने नूं मामूली ना समझिया करो, इन्हां दी कंड ते मैं अल्लाह दा रहमत वाला हथ रह जांदा है। सुभान। चलो मां आयशा दी शान पहुंचिया, जाग रहे हो कि नहीं? तुसीं सिर नूं हाज़र रखो तो मैं पीर हैदर अले मणे बीज ती आवणा, जे तुसीं डेले डेले रखो ए रोज असर तक जुम्मा ही लगा जावे। एक बार मिल के कुछ सुभान अल्लाह। आओ एक गल मां दी शान सुना के बाद पीर साहब दी गल शुरू करेंदे अल्लाह दी तौफीक नाल।
इन्हां दी सारी सीरत बड़ी आला इंशाअल्लाह किसी मौके ते मुकम्मल सुनाए सा अल्लाह दी तौफीक नाल। लेकिन इत्थे एक वाकया जरूर सुनावना चाहुंदा जिस वाके नूं अल्लाह कुरान दा हिस्सा बनाया है। सुभान सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका दी इज्जत दा मसला बनया। मुनाफका ने जदों ज़बान दराज़ियां कीतियां ओ गज़वे बनी मुस्तलक दे मौके दे उते, अल्लाह दा पाक पैगंबर पूरा महीना परेशान रहा। ज़ालमा ने बदतमीजी ते बोतान चलाया, फलां साहबी नाल नऊज़ु बिल्ला नाजायज़ मरासिमां। असल ते गज़वे बनी मुस्तलक तो वापसी जांदे पयान तां रात नूं लेटन, उत्थे वी कज़ाए हाजत वास्ते मां जी गईआं ते हार कुदरती उत्थे वी गुम हो गया। हत्ता के इदो सोहणा वी सफर ते चल पिया है तां सहाबा वी चल पए। मां जी आ के उत्थे लेट गईआं ते चादर उत्ते कर लई। हज़रत सफवान पिछों पिछों साहबी आंदा रह जांदा है कि काफले वालियां दी कोई चीज गिर गई ते तू लै के आवणी। आ दिन मैं आया गरीबा के मैं वेख्या मैं परदे दा हुक्म ना दिलावण तो पहले सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका अतीका रफीका रदी अल्लाह तआला उन्हां नूं वेख्या होया इरती टोपी वाले भरा नूं जगावे। आ दिन जदों मेरी नजर पई ते मैं वेख्या ए ते मुसलमाना दी अम्मी रह गई किसी जगाया भी नहीं। आंदिया ना صفوان دا ان للہ و ان الیہ راجعون۔ سیدہ نے فوراً چادر اتے کر لئی پردہ کر لیا۔ انہا سواری بھائی ماں جی اتے تے پیٹا پیدل چل پیا ہے۔ منافقہ نے شور کر دیتا ہے ویکھو نا جی اے پچھا کیوں رہ گئیاں نکلے کفر کفر نہ باشد۔ پورا مہینہ گزر گیا اللہ دا نبی پریشان تے اداس آئی او ویرو ہتھ بن کے گل کرنا چاہندا اے نے او بولویاں دے لیٹر بکس دیاں لڑائیاں وچ آ کے اپنی آخرت نہ خراب کیتی کرو۔ رب محمد دی قسم اے یا مخلوق ساری دا علم جمع کر لیا جائے میرے پیغمبر دے ایک دہ تے رات دے علم و عمل دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ لیکن ذہن چ بہایا کر ساری کائنات دا مکمل علم رکھن والا صرف کون ہے نہ دسے تے پیغمبر انقلاب نو اپنی بیوی رفیقہ یاد دے زندگی دے حالات دا پتہ وی نہ لگے۔ اج کون ہے تواڈے چوں جس نو اپنی بیوی دے اس مخصوص واقعے دا پتہ ہوے جدے بارے کلے مارے ہوئے تے وت او سینہ تان کے میدان چ نہ ہوے۔ وت پیغمبر دی چہیتی بیوی اے جدے بستر تے قرآن وی آندا رہندا ہے۔ پیغمبر کیوں خاموش ہے اگر پتہ آئی پیغمبر نو؟ اللہ دا نام بنیا کریں گے سو آگا پٹھا نہ بن دیتا کر۔ یہ بارے سوال ہونا ہی اللہ پاک نے پوچھنیا نہیں ساریاں گلا۔ اے ایمان رکھیا کر او دسن تے آوے تے کروڑ گلا چ دسے نہ دسے تے پیغمبر نو اپنی رفیقہ یار دی زندگی دی تفصیلاں دا پتہ بھی نہیں لگدا۔ پھر گج کے نعرہ مار فرشتے نوٹ کر دین ہو سکدا ہے بخشش دا سماں پیدا ہو جائے۔ ساری کائنات دیاں مکمل تفصیلاں جانن والا صرف کون ہے؟ نفع نقصان دا مالک صرف کون ہے؟ عزت و ذلت دا مالک صرف کون ہے؟ میرے پیغمبر نے صحابہ نو جمع کیتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ آو یار مینو مشورہ دے ہوا۔ میری بیوی دے بارے منافقاں شور کر دیتا ہے بڑی توجہ چاہندا۔ حضرت حیدر نو کھڑا کیتا گیا ہے تے پیر حیدر آدن یا رسول اللہ امی عائشہ تے مومنہ دی ماں ہے تے بیٹے ماواں دے بارے سوائے بھلائی تے اچھائی دے اور کچھ وی آدھے سونے نہیں لگدے۔ جویں تسی پاک ہو انجے ساڈی امی عائشہ صدیقہ وی پاک ہے۔ میرے پیغمبر فرمایا سخی مان کے دے جی یا رسول اللہ اکھ یار تو دسویں بی بی عائشہ دے بارے تیرا کے خیال ہے؟ واہ او سخیا جملے ایڈے قیمتی بولے سونے دے پانی نال لکھن دے قابل نے۔ آدھے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تانوں سفر دے اندر بھی ویکھے، میں تانوں حضر دے اندر بھی ویکھے، میں تانوں محفل دے اندر بھی ویکھے، میں تانوں تنہائی دے اندر بھی ویکھے۔ بعض ایسے مراحل بھی آئے جتھے تسے ستے پیاوے تو
बड़ी वजूद है मशहूर तो कमीज मुबारक उतरी हुई आई। मैं बड़ा गौर नाल नोट की कहे मैं उस्मान गवाहियां देंदा आज तक मैं उस्मान है तुहाडे जिस्मे अतर दे उते ना पाक मक्खी बैठी वेखी कोई नहीं ते मैं उस्मान दा ए ईमान है जेड़ा अल्लाह साई जनाब दे वजूद है मशहूर दे उते मक्खी बर्दाश्त नहीं करेंदा ओ तुहाडे बिस्तर ते ना पाक औरत किवें बर्दाश्त कर सकदा है। मैं सखी उस्मान दा इया ऐलान है जिवें तुसी आप पाक हो इंजे तुहाडा हरम ते तुहाडी इज्जत बीबी आयशा सिद्दीका भी पाक है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर दी नजर पई हजरत थके तरे बैठे हजरत उमर ते नजर पई बड़ी तवज्जो चांदा रदी अल्लाह ताला। आका ने फरमाया उमर यार तू ही काई सोना मैं अल्लाह वत उमर ते उमर जो होया कुफर वास्ते नंगी तलवार जो होया अल्लाह अकबर। सारे साहबा मुरीद बन के आए तो ए मुरादे नबी जो बन के आया अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं जवाब बाद च देसा पहले मेरा एक सवाल है उदा जवाब इनायत फरमा दो। आके केड़ा सवाल उमर जाने मैं इतनी गल पुछना चाहता कि ये जड़ी साड़ी अम्मी जान तुहाड़ी वाइफ ते दुलान मैं छड़ा ए गल पुछनी है ए फरश वालिया दा इंतखाब या अरश वाले दा इंतखाब। हजरत उमर दा अंदाज वे किथे पहुंचे है सारे दरवाजे चोर बंद कर देते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाया फरूके आदम ओ नंगी तलवार ओ मेरी दुआवां दा रिजल्ट बन के आवन वाला ओ यार तू ऐसा जरनैल है जो इक्की मकाम कुरान जैसे जो तू जमीन ते बोलया है ते अल्लाह कुरान बना के नादल कर देता है। ए उमर मैं ते सुत्ता पिया वी जिब्राइल अमीन आया है उसने मेरे कदमा नु दबाया मेरी अख खुली ते जाने मैं तोहफा लै के आया या रसूल अल्लाह केड़ा तोहफा है जाने जी अल्लाह साईं ने भेजा है ते रेशमी रुमाल दे विच लिपटवा के घलिया है अखे हटावे आ जाने नहीं आप ही हटावणा है ने मैनू तां आडर नहीं। जदों परदा हटाया गया है विच इक तस्वीर आई इक दियां तस्वीरां उमर लई वधाणा जाने ए तुहाडे यार गार अबू बकर सिद्दीक दी बेटी है जिसनु अल्लाह ने अरशां तो तुहाडी दुल्हन बनावण वास्ते पसंद फरमाया। वेख लो ए माए ने जिदा इंतखाब अरश वाला आप करेंदा है हजरत उमर उठे बोलिया अल्लाह कुरान च बनाया हजरत उमर ने अर्ज कीता सुभान का हाजा बोहतानुन अजीम। गल मां ऐशा दी हो रही ते आद सुभानका सारे पढ़ो ना सुभानका अल्लाह तू शरीकां ते ऐबां ते भुलण कोलो पाके। उमर दसना चाहुंदा ई अगर इल्जाम बीबी ऐशा ते साबित हो जांदा है ता ए इल्जाम इस ते नहीं ए ता खुद देवण वाले दे उते जिस बीवी नबी नूं ई दे दित्ती। अल्लाह तू भुलण कोलो पाके शरीकां कोलो पाके मोहताजियां कोलो पाके अल्लाह साईं जिवें तू ऐबा ते शरीकां कोलो पाके इवें मैं उमर दा ईमान है साडी मां ऐशा सिद्दीका भी इन्ना सारिया बोताना कोलो पाक। अल्लाह बिलाखिर अल्लाह ने फिर इया आयात सूरत नूर दियां नादिल फरमा दितियां जदों मेरा पाक पैगंबर अबू बकर सिद्दीक दे वेड़े तशरीफ लै गया उत्थे मेरे पैगंबर ने जुमला फरमाया ऐशा दो वड्डे वड्डे हक होंदे न हर औरत दे उते एक अल्लाह दा दूसरे उदे खाविंद दा। मैं तेरा खाविंद होने दे नाते तेनू माफ पिया करेंदा अगर इन दी काई गल है जिवें सुनन चाहुंदा पिया है।
अल्लाह को माफी मंग ले, ओ बड़ा मेहरबान है। सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका ने मां जी नु आखे, उम्मे रुमान मेरी जगह ते जवाब दो। उन्हें भी माजरत कर दी, बाबा अबू बकर सिद्दीक ने भी माजरत चकी थी, बेटी असि अल्लाह दे नबी दे अगो कोई गल नहीं कर सकते। हत्ता के अम्मी आयशा सिद्दीका फरमा दियां, मेरे ते गम इतना सवार आई, मैनू यूसुफ पैगंबर दे अब्बा जी दा ना ही भुल गया। मैं आख्या अज मेरी हाल वही है जिवें यूसुफ कनानी दे अब्बा जान दी हालत आई, ते मेरी जबान चो निकलिया इन्ना अशको बसी व हुज़्नी कि मैं अपने दिल दियां सारियां गल्लां कहंदे अगो रख दियां। अल्लाह ने सैयदा दी इज्जत ते लाज बचाई ते लाज रखी। सैयदा कैनात दी शान दे अंदर अल्लाह ने सूरत नूर दी इब्तिदाई आयात नाजल फरमा दितियां। तो दोस्तों समझ आउंदा है कि नबी दियां सारियां बीवियां आला हैं, पर अम्मी आयशा सिद्दीका दी शान दा मुकाबला नहीं। इन्हां दी इनफरादियत ए जो नबी इन्हां दे हुजरे ते बिस्तर ते जांदा ते अल्लाह तो कुरान नादल फरमा देंदा। सुभान अल्लाह, उड़े जेर ही रखे तुसी तुम जागते बैठे हो कि नहीं। मां जी सतारा रमजानुल मुबारक नु इंतकाल कर दियां। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला नु दा दौरे खिलाफत आए। मेरे पैगंबर दी वफात शरीफा तो बाद तकरीबन 50 साल दा अरसा गुजारे है, और कुरान फहमी इतनी आई कि कई ताबीन साहबा उन्होंने शगिरद कुरान दे अंदर इसे मां जी दा व सतारा रमजान इंतकाल होया। वत इन्हां दा जनाजा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने पढ़ाया है। वत जिहड़ा ओ मशहूर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान उहदे अंदर मेरी मां जी दी कबर बनाई गई। अल्लाह दियां करोड़ा रहमत आवन। अगर मैं हुण शुरू करा जो कुरान फहमी कितनी है, सारा टाइम इत्थां ही लग वञणा, लेकिन मेरा दिल करता है जो नाल मैं हजरत हैदर करार दा जिक्र खैर भी सुनावा, ये उधार रह गया। इतनी गल उन से ने चरा कि नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावां हैं, लेकिन उन्ना सारियां दे विचो अल्लाह ने अगर शान वधाईए ते ओ बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला ना दी वधाई। आओ जरा दूसरी सिमत ले लिया एक बार मिल के आपको सुभान अल्लाह। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदो नबूवत दा ऐलान फरमाया, उस वक्त मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर एक ऐसा बच्चा मौजूद आई जिदी उम्र तकरीबन 9 तो 10 साल आई। जनाबे अबी तालिब साहब दा ए फरजंद हजरत अब्बास नाल मेरे पैगंबर ने मशवरा कीता है कि जांदे आया अबी तालिब साहब दी औलाद ज्यादा है, मुआशी औलाद जरा तंगी दे रहे, एक बेटा तुसी ले आओ ते एक मैं ले आंदा। हजरत अब्बास ने हजरत जाफिर नू नाल चर लाया है। हजरत अली दी किस्मत दा सितारा चमकया है जो मेरा पैगंबर उन्हां नू नाल लाई आया है। हत्ता कि जदों नबूवत दा ऐलान फरमाया है, अज लोकी आदन ए दसा पहले नंबर ते कलमा कै पढ़िया है। जेड़े आजाद आकिल बालग नौजवान आन उन्हां दे विचो सब तो पहला कलमा जिस पढ़िया है वह अबू बकर सिद्दीक है, ते औरतां दे विचो सब तो पहले जिस कलमा पढ़िया है वह तुहाडी मेरी मां सैयदा खदीजतुल कुबरा है, और गुलामां विचो जिसने पहले कलमा पढ़िया वह हजरत ज़ैद है, बच्चियां दे विचो जिसने कलमा पढ़िया उसनू अलीउल मुर्तदा शेरे खुदा आख्या जांदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ते ए तुहाडे इलम च होना चाहीदा है कि जिहड़े पहले पहले नंबर ते जिन्ना इस्लाम कबूल कीता है, फिर अल्लाह ने कुरान च उन्हां नूं भी पहला नंबर दिता है। अल्लाह फरमाउंदे ने वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورسول
जेड़े पहले पहले नंबर ते आए जिन्होंने मेरे नबी दे सीने दे नाल सीना मिलाया जिन्होंने मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़ के अपने सीने नू चमकाया जिन्होंने सफर हजर दे अंदर मेरे पैगंबर दा साथ निभाया ता जेड़े पिछो आके उन्हां दे मगर ताबेदार बन गए। मैं अल्लाह गवाही पिया देंदा ने जो मैं इन्ना सारिया ना राजी हो गया ते ओही सारे मेरे नाल राजी हो गए। हजरत अली करम अल्लाह वजह की फजीलत वास्ते इतना काफी है जो इन्हों इब्तिदा तो ही अल्लाह ने सलाम की दौलत नाल माला माल चकीता है। वत एक वक्त ऐसा भी आया इन्हें जदों अल्लाह के पैगंबर की हिजरत वाली रात आई है तो मेरे पैगंबर फरमाया अज मेरे बिस्तर ते समना है तो मेरे वीर हैदर करार ने समना है बैर काफिर तलवारा लैके खलोते अल्लाह के नबी ने हजरत अली ਇਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਆਖੇ ਹੈਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸਮਵਣ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਹਨ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਵੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਆਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿਜਰਤ ਮਦੀਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਆਮਨਾ ਦਲਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਵਿਆ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਅਬਦਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁਲਾਵਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਬੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸਮਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਦਾ ਜੇ ਅਲੀ ਨੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਓੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਹਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਵਣਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੱਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਜੀ ਰਫੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਲਿਆ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਜੀ ਰਫੀਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਲਿਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬਿਸਤਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਸੰਭਣ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਆਲੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਆਲੀਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੁਹਾਜਰ ਤੇ ਇਹ ਅਨਸਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਜਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਮੁਆਖਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਚਾਨਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਹਿ ਜਾ ਅਲੀ ਉਹ ਹੈ ਦਰੇ ਕਰਾਰਾ ਅੰਤ ਅਖੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਰਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ ਆਖਰਤ ਚ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਤਸਲੀਆਂ ਤੇ ਮਕਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਜ਼ਾ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਅਬੂਲ ਆਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰੁਕਈਆ ਤੇ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਯਕੇ ਬਾਦ ਦੀ ਘਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਬਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੁਮਲਾ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈਆਂ
जिन्ना बेटियां लियां ओ भी शान वाले ते जिन्ना धियां दितियां ओ भी शान वाले उस्मान लियां हैदर लियां अबू लास ने लिया है लेकिन जिन्ना ने बेटियां लियां ओ बैर आराम करें दिल जिन्ना अपनियां बेटियां दितियां ओ आज भी नबी दे पहलू च आराम करें दिल और जिन्ना बेटियां दितियां वो अज भी नबी दे रौजे दे अंदर उन्हां दियां कबरां अल्लाह ने बनवा दितियां तेनूं समझ आ जाणी चाहीदी है कि सैयदा बीबी आयशा कहिंदी बेटी है अबू बकर सिद्दीक दी इसी तरह हजरत फारूक आदम ने भी अपनी बेटी दिती है ये दोनों जड़े सुसर जियां मेरे पैगंबर दे कदमां दे विच अल्लाह ने इन्हां नूं जगह अता कर दिती है हाले तक बीबी फातिमा तो ज़हरा दी शादी नहीं थी बड़े बड़े मदीने दे विच रमण वाले लोगों का ख्याल आई यार काश के सानू ये निस्बत मिल जाए हाय काश के सानू नबी दी बेटी दा रिश्ता मिल जाए ये बड़ी इज़ाज़ी फजीलत होंदी उस सियाणे बंदियां नूं दसण दी लोड़ नहीं पौंदी जिथे बंदा धी ते भैण दा रिश्ता करदा है उत्थे मुकम्मल एतमाद होंदा है ते तां करींदा है एवें जा के रिश्तेदारियां नहीं आउंदियां अल्लाह दे पाक पैगंबर दे जदों पैगाम आया मेरे पैगंबर खामोश रह गए जदों अबू बकर ते हजरत उमर ने मशवरा दिता हजरत अली करम अल्लाह वजानू कि तुसी पैगाम भेजवा सैयदा दे नाल निकाह करन वास्ते हजरत अली ने फरमाया अगर मशवरा आप पै देंदे हो तुहाडे तो वड्डा मेरा करीबी है भी कोई नहीं मेरी तरफो तुसी नुमाइंदे बन के आका नाल गल कर लो जाग रहे हो कि नहीं ये धोखा दिता जाता है वह इंज सन तो ये इंज सन एको सन नाव के फर्क है दिल उन्हों का एक जात से मिल के कुछ बन लो हजरत अबू बकर हजरत उमर आयन मेरे पैगंबर दी पाक महफिल आलिया के अंदर खामोशी नाल बह गए मेरे पैगंबर फरमाया खैर होवे ओ मेरे जरनैलों अज गल भी ने की चुप करके बह गए हो जाने जी खास कम वास्ते आया है दसो ना जी केड़ा काम जाने सैयदा दा रिश्ता लैवना चाहते हैं कहंदे वास्ते जाने कारिए कुरान हजरत अली उल मुर्तदा शेरे खुदा वास्ते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर लाज़ा खामोश हो गए थोड़ी देर गुजरी तो मेरे नबी ने फरमाया मैनू अल्लाह दी ज़ात दी कसम है मैं आप जितनियां शादियां कीतियां सारिया अल्लाह दे हुक्म दे नाल इजाजत मिलन तो बाद कीतियां ते मैं अपनी बेटियां दे जिथे पहले भी रिश्ते कीते न अल्लाह दी इजाजत दे नाल कीते न ए भी मैं इजाजत दा इंतजार पिया करेंदा हुणे उतो इजाजत मिल गई है अरश वाला भी चांदा है जो फातिमा तो सारा बिस्तर बिछाए ते अली उल मुर्तदा शेरे खुदा दा बिछाए लेकिन मेरे पैगंबर नू चंगी तरह पता ही जरा जाके बगैर कि अली दा अपना मकान भी मदीने विच कोई नहीं कोई लंबी चौड़ी उन्हां दा कारोबार भी कोई नहीं मेरे पैगंबर ने सवाल ही नहीं कीता ए जड़ी रिश्तेदारी होंदी पई आई ए छड़ा दीन दी मुहब्बत दी वजह तो होंदी पई आई अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया अबू हुरैरा मेरी उम्मत दे लोग चंद वजूहात ते शादियां करे सन कोई हुसन वेख के जिवें अज नौजवान माडलां दे पिछे भजदे रह जांदे अल्लाह दे नबी फरमाया हुसन दी वजह तो शादियां हो सन अज ओ हसीन है कल बीमार हो गई हुसन च कमी आ गई मुहब्बत फर्क आ जासी या आला खानदान वे के शादियां लोग करे सन अजो आला इन कल कोई मसला बन गया है गिर गए मुहब्बत खत्म हो गई है या पैसे दी वजह तो करे सन अज पैसा है कल खत्म हो गया मुहब्बत खत्म हो गई अबू हुरैरा ओ मेरे उम्मती खुश नसीब नी जेड़े दीन वे के शादियां करे सन दीन भी सदा बहार रमन वाला है ते अल्लाह उन्हां दी मुहब्बत नू सदा बहार कह अल्लाह दे पैगंबर ने तुसी जाओगे तो मैं थोड़ा मन ठीक है मैं मन नहीं बैठा रोजा है गर्मी है लेकिन जिक्र खैर तो अच्छा हो रहा है तुहाडे ईमान नूं ताजगी मिलनी चाहिए जरा गज क्या कुछ सुभान अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह सब नूं बैतुल्ला शरीफ का दीदार कराए आका का खूबसूरत शहर विखाए और सोहनिया गलियां सोहने शहर ते सोहनी सोहनिया रौनक अल्लाह बार बार विखाए
लेकिन जरा तवज्जो चाहता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली करमल्लाह वजानू बुलाया जाए। हजरत अली आए, मेरे पैगंबर ने फरमाया मियां जैसे बड़ी तवज्जो चाहता मेरे नबी ने फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह ए तेरी सिफारिश अंजन जी मशवरे नाल आए। अच्छा अली मैनू ये दस तेरे कोल हक मार दे पैसे हिन के कोई ना जड़ा सी जेब च रख आदे आए हूँ तू तो मैं एको जो थी गया हूँ केड़ा वंडना है ना ना एक करजे गया नहीं गया दिता तो हाल तक भी तेरे ते करजे उदी जेब च पा उदा दिल करे ते वापस कर दे वे तू देसे तो बेचारी आप इस्तेमाल करे सी उथाई जरबा तक सीमा लाई रखे जेब च पा के तो यह कोई मरदाना या शरीयत का मसला एक नहीं गया। हत्ता के मेरे पैगंबर ने फरमाया अली न मकान का सवाल है न दुकान दा सवाल है न तिजारत दा सवाल है न पैसे दा सवाल है मेरी बेटी भी कुरान दी कारिया तुम्हें कुरान दा कारी है मैं ते छड़ा दीन दी निस्बत दी वजह तो अपने साहबजादी शहजादी देना चाहता लेकिन अली तेरे को हक मार दे पैसे इनके कोई ना जने नहीं या रसूल अल्लाह पैसे तो कोई नहीं एक जिरा मेरे को जड़ी जंग च कम आती है एक तलवार है एक घोड़ा जिस ते चढ़ते मैं मैदान च आंदा रह जांदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया अली घोड़ा ते तलवार कोल रख जिरा मदीने दे बाजार च वेच के आ हक मार दे पैसे लेके आ इन्ना गवानू भी नाल लेके आ ते मैं आमना दलाल अपनी शहजादी दा निकाह तेरे नाल पढ़ावण वास्ते तैयार। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों एक गल फरमाई है हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला नो मदीने दे बाजार च नजर आंदे ओए मैं जरा बेचनी है कोई खरीदार होवे ता गल करे आए तवज्जो चांदा बस जरा भी मामूली नहीं हजरत अली करम अल्लाह वजह दी सिरे दुनिया कट्ठी हो गई मैं लेवनी सज्जे मनो एक नौजवान आया है जिसनों कारिए कुरान भी अखींद हया का सेरा भी अखींद दौरा दामाद भी अखींद यानी उस्मान इब्ने अफ्फान अखींद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंजे जफा पा के आदन वीर अलिया जिरा बेचनी ने होर कहनू न देवया है पहला खरीदार मैं सखी उस्मान आखे कितने पैसे लेवने ने हैदर ने कुछ पैसे मंगे ओ यार ताजरों अज हर बंदा चाहता है चारा ने ज्यादा मिल जावन जिड़ा लेवन लाउंदा है ओ आदा यार कुछ लैस करें कुछ रियायत करें लेकिन मदीने दियां बाजारा दे अंदर ए वाहिद सौदा नजर आंदा है जिथे बेचण वाला पैसे अगो खलोमन वाला दे यार पैसे थोड़े क्यों मंगदा है ज्यादा मांग थोड़े क्यों मंगद जितना तेरा दिल आंदा है मांगना ये मुहब्बत दे सौदे आंदे प्यार अगर इन्हां दियां लड़ाइयां होवना अगर नफरत आवना जिवें कूड़ा शाहजहानियां दा तारीख च गंद भरिया पिया है ऐसी तारीख नूं चाह के गटर छड़ दे उतों ढक्कण चाड़ दे मैं ते सहाबा ते अहले बैत नूं वेखसां ते अल्लाह दे कुरान चों वेखसां मैं ते पैगंबर दे शागिरदां नूं वेखसां ते कुरान चों वेखसां मेरा मुर्शिद आदा आंदा ई मक्खियां दो किस्म दियां एक गंद ते बांदी एक फुलना ते बांदी ओ जेड़ी फुलना ते बांदी है अल्लाह दे लुआब नो शहत शिफा च बनांदा या जदो अल्लाह दे कुरान कोलो पुछया गया अल्लाह अली ते उस्मान दियां लड़ाइयां हिल के कोई ना अली ते फरूक आदम दियां लड़ाइयां हिल के कोई ना अली ते सिद्दीक दियां लड़ाइयां हिल के कोई ना अल्लाह फरमांदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਅਰਫੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਕ ਜਮਾਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪਿਆ ਕਰਾਂਦਾ। ਅਸ਼ਿਦਾ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ, ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਰੁਹਮਾ ਉਹ ਬੈਨਹੁਮ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਗਿਲਾਸ ਚ ਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਅਸਮਾਨ ਤਾਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਯਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਵੈਨ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, 480 ਦਿਰਹਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਕੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਹਰ ਕੜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਦਿਰਹਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਲੈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਖੀ ਉਸਮਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਹੈਦਾਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਰਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ? ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਰਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਥੀਵਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਇਤਨੀ ਜਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਭੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਜ਼ਿਰਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸਖੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਕਮਾਰ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਆਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਏ। ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਚੱਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਸਿੱਦੀਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਵੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੱਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, 125,000 ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਖਤੀਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਰਮਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਹਕੀਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬਾ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਾ ਖਿਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਮਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ? ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਗਵਾਂ ਦੇ ਪੜਾਈ ਵਧੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਹ ਥੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਬ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਪਕਾਏ ਕਰੋ। ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਪਈ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਵੰਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਈਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਉਮਰ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਉਹ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਵਣਾ। ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਰਿੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਅਨਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਪੈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਮਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਖੀ ਉਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ।
हजरत अली करम अल्लाह वजा खुलाफाए सलासा तो बाद उदे जोड़ दा बंदा पूरी कैनात दे विच अल्लाह ने कोई बनाया कोई नहीं है। रब्बे मुहम्मद की कसम है निकाह ठीक है, मेरे नबी फरमाया ठीक है तशरीफ ले जाओ, मैं अमानत पहुंचा देसा। ओ वीरों अज कितने रौले होंदे न, कई बेचारियां बच्चियां ते भैणा जिन्हां दे वाल सफेद हो जांदे न अपने वालदैन दे दरवाजे दे उत्ते बैठियां, क्यों जहेज दा समान पूरा नहीं पे आउंदा, साडी पावर दे मुताबिक बंदे नहीं पे मिलदे, जितने असी उच्चे आए इतना बंदा नहीं पिया मिलदा। बड़े अदब नाल अर्ज करना चाहता, सरकार ने फरमाया त्रै कम्मां दे अंदर देर ना कीती करो, अगर जनाजा आ जावे सारा कम छोड़ो, पहले जनाजा पढ़ो, नमाज दा टाइम हो गया पहले नमाज पढ़ो, बच्ची या बच्चा जवान हो गया है माकूल रिश्ता मिल गया है तो उदी शादी कर दो, अगर अल्लाह ना करे वो मिस्टेक करे सी बच्चा या बच्ची, जिमें ओ मुजरम है इंजे उदा वालदैन भी मुजरम, इंजे उदा बुढ़ा माँ प्यो ते उदी वालदा भी मुजरम। खुदा दी कसम दे के अर्ज़ पे कर दूं, अल्लाह दा नाम मनिया कर, ए फाशी और यानी बेहयाई फैलदी तां है जदों जनाब जायज तरीका मिलदा नहीं है। असी निकाह नूं इतना महंगा कर दिता है, जना इतना सस्ता हो गया है, फिर लोग निकाह ले बने जांदे नहीं, फिर कुछ शरैतां सी इंदियां लिखदे आए कि अगला बंदा उंजे नस जांदा है। ओ वीरों अल्लाह दा नाम मनिया करो, दीन नूं वेख के रिश्तेदारियां कीतियां करो, माकूल गल्लां नूं सामने रख के आपस विच तय कर लिया करो, और ये सोचिया करो जो वालदैन ते बड़ा बोझ है, खुश नसीब वो वालदैनी जिन्हां दी जिंदगी दे अंदर उन्हां दे बच्चियां दीयां शादियां थी गईयां, फर्ज अदा हो गया है। तो मेरे मदनी सोने फरमाया जिदियां त्रै बेटियां वल या त्रै तो ज्यादा वल या एक एक होवे ते मैं आमना दलाल बशारा देंदा मार ममता साहब कमाल रहमत है, मेरे नबी फरमाया ओ सुन्नत दे मुताबिक उन्हां दी परवरिश करके निकाह च करे, ऐसा उमती ते मैं जन्नत च इंज रले खलोते हो सां जिवें मैं मदनी दी दोनों उंगलियां मिली। असी सारी जिंदगी ओ सिलेंडर ही वेद रहा साढ़े जनाब मैं यार दा बंदा कौन, इन्ना लिल्लाह ही वइन्ना इलैहि राजिऊन। बस आखिर ते क्यों होंदा है, बुढ़िया हो गई बीबियां बेचारियां, हुण किदां ही तपरना वणा है, खुदा दा नाम मन्या कर, रब कोलों डरे नाराज़ नहीं बैठे। चलो गल ज़िम्मा नहीं चाहिए कोई बिल्कुल को सुभान अल्लाह, आके तुसी तशरीफ लै जाओ, शाम नूं तुहाडी अमानत पहुँचा सी अल्लाह। मेरे नबी इस इंतजार च कि मैं अपनी बेटी वास्ते एक जोड़ा लै के आया, वो सही दा ने पाया नहीं, तुसी जागो तो मैं सुनावां। एक दफ़ा कुछ हदिया तन पैसे आ गए, अल्लाह हाजी नदीम साहब अजीब कैफियत, मेरे नबी बाजारे मदीना बेच पसंद का एक जोड़ा खरीदया, सैयदा वास्ते लै के आए, ऐ मेरी बेटी मैं तेरे वास्ते मदीने दे बाजार दे विचों जोड़ा गिनाया, इस वास्ते लैके आया, जदों तेरी रुखसती दा वक्त आवे इया पा के अपने बाबे दी चार दीवारे ते रुखसत हो जावे, एक कम ते मावा करेंदियां, लेकिन चूंके सैयदा खतीजतुल कुबरा दा इंतकाल जो हो गया है, अल्लाह दा नबी अपनी पसंद दा जोड़ा लैके आया, बड़ी तवज्जो चाहता, सैयदा ने संभाल के रख लिया है, चलो जदों वक्त आसी ते पा लै सां, पैवन ते टाकियां लगे हुए चोलियां विच गुजारे पैथी दिन। एक दिन सैयदा अपने बाबे दे घर भी सफाइयां वधी करेंदी है, दस्तकाई ओ नबी दा घराना, ओ नबी दा अजीम घर ते नबी दे अहले बैत, मेरी बच्ची जवान थी गई है, मैं मदीने शरीफ दे देहात दा बंदा रवण वाला, तुहाडे सोहणे नबी दा कलमा पढ़न वाला, मेरे कोल इतने पैसे नहीं जो मैं नवा जोड़ा लैके अपनी मासूम बच्ची नूं पवा देवां, अल्लाह दे नां दा सवाल ने, अगर कोई फटे पुराने बोसीदा कपड़े जिन्हां नाल गुजारा चलदा होवे मैं को देवा, मैं अपनी बेटी दी इज्जत को महफूज़ च रखा, फिर अल्लाह दी ज़ात दा वास्ता देंदा, अल्लाह तेनू पैसा दिता होया, अड़ोस पड़ोस भी वेखिया कर, वह यतीम बच्चिया के सिर ते भी हथ रख लिया कर, वह बेवा बेसहारिया नाल भी तावन कर लिया कर, खुदा की कसम या उन्होंने लब हिल सन ते उत्तों रहमत दे दर खुल दिया सन, मेरे नबी लख
वास्ते जिगर ने के चकीता है, पहले से नहीं चाया है। नवा जोड़ा आप पा लेंदियां, अपना जिहड़ा इस्तेमाल शुदा जोड़ा है उस मोमना बच्ची वास्ते चक लेंदियां। फिर अल्लाह दा कुरान सामने आ गया, नबी दी बेटी जो आई तरबियत मुस्तफा आई, फौरन कुरान बोल के आ गए, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा कामिल मोमिन बनना चाहते हो, अपनी मन पसंद शैया मेरे राह विच खर्च करना तो आड़ा काम, तुहाडे ईमानी मेयार नू बुलंद कर देना मेरा काम। सैयदा ने नवा जोड़ा चाह के साहिल नू दे दिता है, वंद तू जाके मुसलमान बच्ची नू पवा दे, मैं फातिमा तो ज़हरा जाना तो मेरा रहमान जाने। जिहड़े काम अल्लाह की रजा वास्ते इंज कीते जाण, फिर अल्लाह वो काम अधूरे नहीं रमण देंदा, अपनी रहमत नाल पूरे फरमा देंदा है। हत्ता कि जो थक नहीं गया, जदों वह वक्त आया रुखसी का पकड़े वाले बाग में हलाया, थ्रेशर लाई रखी से, अल्लाह की कुदरत तो कुरबान जावा, जदों मेरा पैगंबर इंतजार चाही कि सैयदा ने वह जोड़ा नहीं पाया जिहड़ा मैं खास शादी वास्ते लैके आया। अल्लाह दे सोने नबी ने सवाल कीता है अपनी लखत जिगर तो, ओ मेरी फातिमा या बुज़वत, ओ तू तो मेरा दिल ते टुकड़ा ते कलेजा जो होए, फितरतन बंदे नूं अपनी छोटी औलाद नाल ज्यादा प्यार होंदा है, वत माँ जी भी कोई नहीं ओ भी बखरा विच गैप नजर आंदा है। अल्लाह दे सोने नबी ने फरमाया है मेरी बेटी ओ जेड़ा मैं तेरे वास्ते जोड़ा गिनाया तैकू पसंद नहीं आया, पाया नहीं भी आखे बाबा जाना, इंज मैं अल्लाह दे नां ते एक साए लाया ही ते उसनू मैं दे दिता, चलो मुसलमान बच्ची दी इज्जत रह जावे। मेरे पैगंबर दे वजूदे मशहूर ते खुशी दी लहर भी आई, तनाइयां विच बह के रोंदा ही बैठा है, अल्लाह साइयां डाडियां समैशां विच आ गया, अज पैसे भी कोई नहीं किसी ना इंज गल करना भी मुनासिब नहीं है, मेरी लखते जिगर ने सौदा तेरे नाल कीता है, जे हुण तू कंड ना सजाणे तां होर सजाणन वाला भी कोई। अल्लाह अल्लाह हत्ता के मेरे पैगंबर जदों आंसू गिरे है रहमानी आता है, हर कहंदा रोवना अल्लाह कदर करेंदा है, लेकिन मेरे पैगंबर दा रोवना बर्दाश्त नहीं करेंदा। फौरन जिब्राइल नू आर्डर दिता से, ओ जिब्राइल जी रब्बे जलील वंजना नबी दी कलमा पढ़न वालियां मोमिनात मुस्लिमां परदा करके आवन वालियां, जदों जन्नत च आसन मैं इन्हां को रेशमी उत्थे लिबास दे सां, लेकिन बीबी फातिमा ने मेरे नाल सौदा इंदा कीता है जो मैं इथा ही रहमत दा नुज़ूल करना चाहता हाँ। उथा ही नबी दे उजरे विच जिब्राइल आया, आंदिया नाला क्या दा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम पिया देंदा इने ते नाल फरमेंदा है कि मेरी तरफों अपनी बेटी फातिमा नू भी सलाम कह दो, अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा नू सलाम कह दियो, आखो रब डाडा खुश है तेरे अमल ते, अज मैं छड़ा सलाम लेके नहीं आया, नाल तुहाडी लखते जिगर वास्ते जन्नत दे विचों रेशमी जोड़ा बतौर इनाम भी नाल लै गया। अल्लाह अल्लाह अजीब खुशबू आना शुरू हो गया, थकत नहीं गए, महफिल च अजीब कैफियत पैदा हो गई है। मदीने शरीफ दे विच रमण वाले यहूदियां दिया बीबियां आईयां, अज नबी दी लखते जिगर दी शादी है, इन्हां दे घर दे अंदर 11-11 दिन तक चुल्हे विच अग नहीं जल्दी, वेदे तां आए इन्हां दी साहबजादी दी शादी किवें थींदी है, आईयां तां ऐब तलाश करन आल, लेकिन अगो सिद्दीकां नूं वेदियां गईयां, हैरान थी गईयां, आदियां बीबी असी एडे एडे वडेरे कारोबारियां दियां बीबियां ऐ, असी अज तक इंज दा सोहना जोड़ा नहीं पाया, ना ए मदीने दे बाजार चो मिले, नतैफ दियां वादियां चो मिले, कित्थों मंगाया ई, मिस्र चो मंगाया ई, मुल्के शाम चो मंगाया या बीबी, ए जिहड़ी खुशबू ते लगी हुई है ए भी वखरी लगदी है, सानू इत्थों दी तां नहीं लगदी। अगो सिद्दीका फरमैदियां बीबी सैयद
ਜਿਹੜਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਵਾਪਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਈ ਮਾ ਅਰਸਲ ਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਆਲਮੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਹਦ ਮਿਰ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾਕਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਖਾਤਮਨ ਨਬੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਵੇ ਕਦ ਨਰਾ ਤਕੱਲੁਬਾ ਵਜਹੀ ਕਾਫਿ ਸਮਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਬਲੇ ਤਬਦੀਲ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਲਖ ਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਹੱਤਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਐਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂ ਨਾ ਆਦੀਨ ਬੀਬੀ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਰਵਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਰਾਂ, ਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਵੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸੱਜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਕੁਛ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਬਾਬਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਅਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੁੱਟ ਬੰਜੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦੇਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਵੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹਸਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੇਖਾਈਆਂ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵਾ, ਇੰਝ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਲਈ ਵੰਜਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਆਓ ਯਾਰ ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਫਰਮਾਈ ਆਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਬਿਛਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਤਹੱਜੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਵਨ ਤਬਤ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮੋ ਅਯਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਲ, ਵਤ ਬੇਟੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਸੱਲਾ ਬਿਛਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਸੁਣਾ ਵਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਤਾ ਕੁਛ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ ਤਾਂ ਜੇਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੇਰੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਪੜਦਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੇਰੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਐਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਅਸਰਾਰ ਆ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਛੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਛੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਕੋ ਕੇ ਯਾਦ ਆਈ, ਸਿਰ ਸੰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਦ ਚੜਿਆ ਜਦ ਵੀਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਕੋ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਮੜੀ ਜਾਈ ਅਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਥ ਵੀਰਾਨੇ ਜੇ ਯਾਦ ਅਵੀ ਇਸ ਵੀਰਨ ਦੀ
रखिया नमाज कुरान जे सबर करे से ता फल पैसे या नाने दा फरमान अल्लाह औक बरे तरबियत दे असरात न कुरान छोड़ी ना नमाज छोड़ी गल खत्म है टाइम चूंकि खत्म है। अल्लाह पाक ने उस घराने नु इतना नवाजया है साडा ईमान है कि नबी दियां बीवियां भी पाक नबी दियां बेटियां भी पाक नबी दे ससुराल भी पाक नबी दे दामाद भी पाक नबी दी सारी जमात ही पाक। लेकिन हजरत अली करम अल्लाह वजह दी शान दे क्या कहने इंजे दो चार मिनट लेके बस करना चाहता। ऐसा मौका भी आया है जो खैबर दे मौके उते रल के किले फतह होंदे रहे किला कमूस बच गया है। मेरे नबी फरमाया है सवेरे परचम इस्लाम को देना है जिदे नाल अल्लाह भी कुछ ज्यादा मोहब्बत करेंदा है ते अल्लाह दा रसूल भी ज्यादा मोहब्बत करेंदा है। इसका ए मतलब कतन नहीं कि दूजिया नाल नहीं करेंदा एजाजी फजीलत इदा कोई भी इनकार नहीं। हजरत अली दी ते आखरा भाई सुबह नमाज भी जमात नाल नहीं पढ़ सके। मेरे नबी फरमाया अली नू बुलाया जाए अपना लोहा मुबारक कढ़ के अख च पाया है परचम इस्लाम दे के दुआ दिती है अल्लाह ने ओके लाए मोस हजरत अली दे हाथ दे उते फतह करा उते मरबाया सामने आदा अली बच मैं मरबा मेरे पीर फरमाया बच मैं हैदरा उछड़ा तू गोटे मार के इथा ही अली अली करेंदा है जेड़ा कम अली दा ओ करया ता पता लग्या ओ ता सिद्दीक दे मगरों नमाजा पढ़िया उस हैदर ते फरूक दे मगरों नमाजा पढ़ियां उस हैदर ने गनी दे मगरों नमाजा पढ़ियां ते तू नऊज़ बिल्ला उना थे तबर्रा न करें तेरी रोटी अदब नहीं होंदी तेरा के तलो के हैदर दे नाल। हत्ता के हजरत अली करम अल्लाह वजह ने एक जरब लाई है उदी पेशानी चुंजे तलवार दो टुकड़े हो गया है उथाई गिर गया है। अल्लाह ने पीर हैदर नु फता ता कीती है वक्त जदों खंदक दा मौका आया उथे अमर इब्ने अब्द वद ओ आया एडा वड्डा पहलवान अगर वह बह जाए उठ जगां दे चमड़े ते 16-17 बंदे रल के छिकना तो छिकना सकदे एडी कोई लाश ते बला आई अरब वाले उसनू नाल लैके आया खंदक दे दूजे मनो खलो के ललकारा पै मरे दिल कौन है जेड़ा इदा मुकाबला करे अमर बिन अब्द वादा एक साहबी खलोता है मेरे नबी फरमाया इजलिस या अखी बह जाओ मेरा वीरा बह जा होर खलोता है सारे जो शेरान इंजे जिमें जिमें खलोंद रहे नबी बहेंदा रहा है बहेंदा रहा है बहेंदा रहा है आखिर ते मेरे नबी फरमाया अली के दे ओए अली के दे ओ अली है जिसनू नमाज भी मेरे नबी ने सिखाई है तो तलवार चलावना भी मेरे नबी ने सिखाया है। आज असी छड़ा तस्बीह वाले मौलवी बन गए हलवे वाले मौलवी बन गए बाकी हर शह फारिग हो गई जेडे वह करेंदे रहंदे आल इस वजह तो कुफरिया ताकत साढ़े ते गालिब आंदियां जांदियां। हजरत अली जदों आमना सामना किया है कद बुते जरा वडेरा आई हैदर दा कद दरमियाना डाढ़ा सोहना ढुके होया आई दाढ़ी मुबारक सीने नू चंगा ढापे होया आई जदों चलिया तो जमीन दसदी आई कोई बब्बर शेर चलदा आंदा है। हजरत अली आमना सामना कीता आदा नहीं नहीं मैं तेरे नाल नहीं लड़ना चाहता कोई होर बंदा लाया जाए हैदर आदा शुरू करेंदा है या मैं करा ते को आधा पै बत ए ना आखी वो जज्बात आया है उस अपने घोड़े दियाँ कौचा कट दियाँ उसके पैर च कट्टे से आदा है हूँ आओ जिस आमना इन्हें हैदर करार ते जरब लाई इस अल्लाह की कुदरत नाल इन्ना ढाल की है लेकिन ढाल दे दो टुकड़े हो गए इतनी शदीद जरब आई इंजे वो साह लैंदा वधाई हैदर ने फुरती ले अंदाज दूसरा वार किया है तो वस ले जहन्नम कर दिता है ऐसी तलवार मारी है सिर तो लगी है तो तले लगी आई हैदर ने उदे सीने उते पैर रखे नारे तकबीर बुलंद फरमाया आजाद नारे हैदरी रहमानिया दे नारे हैदरी दा जवाब अल्लाहु अकबर के है सारे बोलो हैदर ने केड़ा नारा मारिया यानी नारे हैदरी दा मतलब हैदर दा नारा उस मौके ते हैदर ने नारे तकबीर बुलंद कीता है हत्ता के काफिर बड़े परेशान हो गए मुशरिकीन आखन लगे इदी मैयत साकू दे ऊंचा
पैसे लै लो। मेरे नबी फरमाया असी मुरदिया की कमाई ना खाते आते, लै जाओ इस मूजी नू असी के करना है। ये अल्लाह ने इजाजी फजीलत दितियां, एक कारी कुरान भी आ फाते खैबर यजदान भी आ, लेकिन त्रै शख्सियात ऐसिया जिस तो कुफर घबरांदा रह जाता है। इन्होंने मशवरा किया खारजिया ने हजरत अली नू भी शहीद कर दिता जाए, तवज्जो चाहता, अमीरे मुआविया नू भी शहीद कर दिता जाए, अमर इब्न अल आस नू भी शहीद कर दिता जाए। प्लानिंग बनाई गई 17 रमजान नू हमला करना है। कुदरत खुदावंदी ये है कि अमर इब्न आस उस दिन बीमारान मुसलत ना आए, उन्हां दा जिहड़ा नैब आया है वह शहीद थी गया है। अमीरे मुआविया ते वार तो होया है लेकिन जख्म आए अल्लाह उंज बचा लिया है। हैदर करार 17 रमजान शहीद का वक्त है, इंजे निकलते आते नमाज फजर वास्ते। अब्दुल रहमान इब्ने मलजम मलून छुपा बैठा, इसने तलवार मारी है हजरत की पेशानी तो लगी है, उसने अपना जहर अलूदाई असर कर गई है, हत्ता के साहबा ने उसनों गिरफ्तार कर लिया है। हजरत अली फरमाया अगर मैं बच जावा तो मैं आप फैसला करे सा, वरना एक जान दे बदले एक जान है, इदा मुसला भी ना करया है, पिछों भेज दिव्या है, अल्लाह की अदालत फैसला कर ले सा है। यह 17 रमजान नो हमला किया गया है, 21 रमजान नो मेरा पीर जामे शहादत नोश फरमा के जन्नत विच डेरे ला लै। यह 17 रमजान सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका दी भी वफात का दिन है, और हजरत अली करमल्लाह वजह से जड़ा हमला होया वह भी इसे 17 रमजान नो होया। अल्लाह इतने अजीम लोग। एक दिन फिर इंज होया ना, जो हूँ एक सवाल नवा आया है, हज़रत अली का जनाजा नहीं होया जी, वह मैयत आया घोड़ा ऐसा जिदे पर लगे और उसकी शां उड़ के चला गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा क्यों नहीं होया भाई, जाग रहे हो तो मैं अर्ज़ कर देवा। हज़रत अली ने सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा तो बाद उन्होंने समेत 9 शादियाँ कीतियाँ। कितनियाँ? 9 शादियाँ हज़रत अली करमल्लाह वजह ने कीतियाँ। 18 जनाब के बेटे हाँ, हजरत अली दी कितने बेटे हैं? 18। उन्हां विचों अबू बकर भी आई, उमर भी आई, उस्मान भी आई। ये बेटियां दे नाँ हैं। अगर दुश्मनी होंदी, बंदा दुश्मनां दे नावां ते बच्चियां दे नाँ रखदा है, रहमानियां दा है। जिस घर विच अबू बकर उमर उस्मान नाँ दे बच्चे खेडदे होवन, वह घर शीन वालां दा नहीं होंदा, वह सीन वालां दा होंदा है, वह सुनियां दा घर होंदा है। समझ रहे हो कि नहीं? और हैदर करार नूं अल्लाह 18 बेटे दिते, 13 बेटियां अता कीतियां। और फिर जो हज़रत शहादत हो गई, जन्नत डेरे लाल है, हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने इन्होंने तजहीज़ तकफीन साहबा समेत की थी है, और जनाजा भी खुद इमाम हसन ने अपने अब्बा जी का पढ़ाया। समझ रहे हो कि नहीं मसला? हज़रत अली करमल्लाहु वजहा का जनाजा खुद इमाम हसन ने पढ़ाया, और कूफा के मेन कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने कबर मुबारक बनाई गई। अल्लाह तमाम साहबा के रुतबे बुलंद फरमाए, और सानू सारे उन्हों का सच्चा नौकर खादिम बनाए। अगला जुमा शायद रमज़ान उल मुबारक का आखिरी जुमा हो, मैं चाहता वह तौबा के उनवान से होना चाहिए, ता कि एक बार साढ़े जितने गुनाह अल्लाह अपनी रहमत नाल माफ़ फरमा दे। और मैं दुआई करनी आखिर से साढ़े मोहतरम हाजी राणा यसीन साहब, इन्हों दमशीर फौत हो गई कराची में, उन्होंने वास्ते भी, और साढ़े भाई रईस साहब, राणा रईस साहब बीमार है, अल्लाह उन्होंने शिफा दे। एक साढ़े मजहबी आलम, इख्तलाफ हों तरह का छोटा मोटा जमातों में, अकीदतन बड़ा अच्छा बंदा है, कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबाद आए, अहल हदीस मकतब ए फिक्र दे कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबाद आए। अम्मी आयशा की बड़ी वकालत की थी उस बंदे ने, और मसला तो हुई कुदरती उन्हों की वफात भी हो गई है, और रात गलबन शायद जनाजा या सुबह होया, रात खबर ही पहुँची। उन्होंने वास्ते भी दुआ कर सें, बड़े अच्छे आलिम, और हजरत शेख गुलामुल्ला खान दे शागिरदां, और सारी जिंदगी जिथे भी असी छोटे छोटे सी सुनते सी बड़ा रोंदे सन, वो तकरीर के पूरे मजमे नूं रवाना ते तौहीद भी सुनानी, ते कोई जलसा ऐसा नहीं जिहदे विच अम्मी आयशा की शान नहीं सुनानी। कुदरती उसनूं वफात वाला दिन भी वह मिले जिहड़ा माँ आयशा सिद्दीका दी वफात। आ दिन ना दिलों मुहब्बत होवे ते अल्लाह फिर सिलसिले आपे मिला देंदा हुंदा है। अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए, जितने बीमार हैं शिफाए तामा अता फरमाए। आखिर दावा अलहमद।